हेलो गाइस, वेलकम टू द आकांक्षा एक्सेसरीज। इट्स हार्ड टू ब्रीथ बट दैट्स ऑलराइट। हश। आज हमारे पास आई है कावासाकी निंजा और अपाची आरआर 310, जिसमें हमने दोनों में कुछ बेसिक वर्क्स कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल निंजा की तरफ। तो इसमें हमने लगाया है सिमटेक के एलईडी बल्ब, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्राइटर हो गए। सिमटेक के एलईडी बल्ब, नाइट आई के बल्ब इसमें हेडलाइट के अंदर लगाए हुए हैं हमने इसके। S7 इसका मॉडल लगता है, ये लो और हाई, हाई देख सकते हो आप, ये लो है इसका और ये हाई। काफ़ी ब्राइटर बल्ब्स हैं जो आपकी किसी भी बाइक में PNP लग जा सकते हैं, प्लग एंड प्ले जो आपकी बाइक में होल्डर्स होंगे। ये देखिए आप, ये लो और हाई इसका। साथ में इसमें हमने इंडिकेटर मॉड्यूल लगाया है सिमटेक ब्रांड का। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ज़्यादातर जिसमें इंस्टॉल होता है बताता हूँ किस तरह से ये वर्क होता है। राइट लेफ्ट सेंटर करते ये पैटर्न चेंज हो गए। ये देखिए आप, ये थोड़ा लुक इन्हेंस करने के लिए भी होते हैं और काफ़ी सेफ्टी वाली चीज़ भी है, क्योंकि जब आप हर हाईवे पे इसे बाइक राइड करते हैं तो पीछे काफ़ी सारे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस आपको पता ही चलते होंगे, तो उसे साइन कराने के लिए भी ये लगता है। और साथ में इसमें हमने R9 का रेप्लिका एग्जॉस्ट लगाया है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर PNP है ये। इसमें इसका पाइप लगा है और ये एग्जॉस्ट है आपका। मैं आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ किस तरह का इसका साउंड आएगा। तो आप चलते हैं हम अपने एग्जॉस्ट के साउंड की तरफ। ये हमारा आइडलिंग साउंड है एग्जॉस्ट का, ये देख सकते हैं आप। अभी से ये स्लो RPM पे, एक RPM पे ये आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब ये अभी थ्रॉटल करेंगे, अभी इसका हमने DB निकाला हुआ है, काफ़ी अमेजिंग साउंड आ रहा है। किसी को मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी विदाउट DB भी। काफ़ी बेसी साउंड है, बड़ा स्मूथ साउंड है। भैया से भी रिव्यू लेते हैं एग्जॉस्ट के बारे में। ये भैया, इनकी बाइक है अल्टीमेट, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो भैया कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ इसके साथ में। तो आपने अपनी किसी भी बाइक में लगाना हो तो ये हम किसी भी बाइक में फिट कर देते हैं। मैं जीनो सो लेने जा रहा था पर मेरे को एक बार के लिए मैं रुक गया हुआ कि मैं अब एक दो साल तो नहीं बदलूंगा। भैया ने ये OLX पे सेल के लिए भी डाला हुआ था, इवन सेल के लिए डाला हुआ था भैया ने, सेल के लिए डाला हुआ था। अब एग्जॉस्ट के बाद से भैया कह रहे हैं कि अब मैं कुछ टाइम के लिए रुक जाता हूँ, Z900 कैंसिल, अब थोड़ा टाइम इसी के साथ चलाएंगे। अब चलते हैं अपनी R10 की तरफ। इसमें हमने डिकैल किट लगाई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें पहले ये ग्रे एंड रेड आपने इसका मॉडल देखा होगा, अब ये डिकैल के बाद कितनी अमेजिंग लुक आ रहा है। मैं आपको इसका फ्रंट से भी दिखला देता हूँ किस तरह से लगेगी। ये देखिए, और एक चीज़ और भैया, ये काफ़ी दूर से आते हैं हमारे पास, चंडीगढ़ से आए हैं, तो रात का टाइम हो चुका है 10:30, तो स्पेशल भैया के लिए हम रुके हुए हैं। तो ये सारा वर्क हमने इसमें करा है, ये अपनी RR 310 और ये अपनी निंजा 300 और ये आपकी अपनी शॉप आकांक्षा एक्सेसरीज। थैंक यू सो मच।